इस मॉनिटर में इंस्ट्रूमेंट कितना है जो ये सिंगर का है, और जो मॉनिटर आपके इंस्ट्रूमेंट वालों का है इसमें कितना सिंगर का वोकल है, यही चीज़ इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। और बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ। और दोस्तों इसमें फ़ायदा आप लोगों का सबसे बड़ा ये है कि मॉनिटर का जो प्लेसमेंट है वो कैसे हम करेंगे। दो ही मॉनिटर्स को मेन आउटपुट में मैं डालूँगा, मॉनिटर्स सामने रखे हैं, अभी पूरा एक बार कनेक्शन दिखा दूँगा, मगर एक मॉनिटर में आप दो जोड़ दें, तीन जोड़ दें, चार जोड़ दें, चाहे जितना मर्ज़ी जोड़ दें, वो अलग हो जाता है। फिर मेन चीज़ होता है कि आउटपुट कैसे लेंगे, सिंगर्स के लिए प्लस इंस्ट्रूमेंट वाले के लिए कैसे सेटिंग लगाएंगे एक बार दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स मिक्सर मैंने लगाया हुआ है अपना मिक्सर, इस मिक्सर के दो ही ऑक्सिलरी को हम यूज़ करेंगे, वन और टू को, और दो ही हमारे पास मॉनिटर लगे हैं, एक को हम वन पे लेंगे, एक को हम टू पे लेंगे। और सिंपल सी बात है, अगर आपने दो मॉनिटर के लिए आउटपुट बिल्कुल सही से ले लिया है तो फिर आप चाहे दो मॉनिटर चलाएं, चाहे चार चलाएं, चाहे छः चलाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है। एक बार पूरा डिटेल दिखा देता हूँ कैसे मैंने उसको जोड़ा हुआ है। ये दोनों ऑक्सिलरी से मैंने आउटपुट ले लिया है, ऑक्स वन में हमने वन नंबर मॉनिटर को जोड़ दिया है, ऑक्स वन के साथ इसी को कनेक्ट किया है, मतलब ये मॉनिटर जो ऑक्स वन से आउटपुट होकर एम्पलीफायर में गया है, उस एम्पलीफायर से आउटपुट होकर के मॉनिटर नंबर वन में आया है, और ये सिंगर का मॉनिटर है। ऑक्स टू पे आपने हमने डाल दिया है अपना जितना भी हमारा इंस्ट्रूमेंट्स इसमें लगेगा, वो पूरा इंस्ट्रूमेंट हमने इसमें डाल दिया है, और ये आउटपुट हमने एम्पलीफायर में ले गए हैं, एम्पलीफायर से आउटपुट लेकर के इसमें आए हैं। अब इसमें हमें सिर्फ एक ही चीज़ को नोट करना है कि इसमें इंस्ट्रूमेंट कितना है, इस मॉनिटर में इंस्ट्रूमेंट कितना है जो ये सिंगर का है, और जो मॉनिटर आपके इंस्ट्रूमेंट वालों का है इसमें कितना सिंगर का वोकल है, यही चीज़ इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगा। और बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ। और कुछ लोगों का फ्रेंड्स आएगा बाद में कमेंट कि सर पूरा आपने क्लियर दिखाया नहीं, इसलिए मैं वीडियो को बिना कट बिना किसी चीज़ के आपको दिखा रहा हूँ, देखते रहिए। अब मान लीजिए फ्रेंड्स कोई भी आपको मैं साइड में दिखा रहा हूँ, कितने भी आपने इंस्ट्रूमेंट लगाए हों, दो हों, चार हो, आठ हो, दस हो, कितने भी आपके माइक बन रहे हों, सभी को आपने इनपुट दे लिया है। अभी देखिए इनपुट दे दिया है, ऑक्स टू में हमारा ये वाला मॉनिटर लगा है, ये वाला जो मॉनिटर लगा है दिख रहा है आपको, ये जो दो नंबर वाला मॉनिटर लगा है साइड में, यही मॉनिटर हम लगा रहे हैं अपना इंस्ट्रूमेंट के लिए, और ये जो वन नंबर वाला मॉनिटर है ये लगा रहे हैं हम अपने सिंगर के लिए। अब चलिए इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग दिखा देता हूँ। ये पूरा इंस्ट्रूमेंट का माइक आपका लग चुका है, पूरी सेटिंग आपने लगा ली है, इस पर मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा आपको बताने का, वीडियो लंबा हो जाता है, सबकी सेटिंग आपने कर ली है अपनी अलग अलग। अब आ जाइए, ये है ऑक्स वन, मान लीजिए कोई भी माइक ऑक्स वन है, मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट आए हैं आपके ऑक्स वन में, हमारा सिंगर का वो सिंगर के लिए हमने मॉनिटर लगाया है ऑक्स वन में, और ये हम माइक्रो अभी जो हम सेटिंग कर रहे हैं माइक की, वो इंस्ट्रूमेंट माइक की, ऑक्स वन को आप इतना खोलिए, सभी इंस्ट्रूमेंट्स को ऑक्स वन में इतना डालिए जितना आपको लगे कि हमारे वोकल को वो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। देखिए दोस्तों फिर कमेंट्स करेंगे, साइड फील से ही जो बीच में महाराज बैठते हैं या सिंगिंग वाला है उसको बहुत इंस्ट्रूमेंट का बैकअप मिल जाता है, मगर ये पर्सनल मॉनिटर की बात हो रही है तो वोकल उसमें क्लियर बजना चाहिए। सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट्स को आपने ऑक्स वन में खोल दिया है इतने परसेंट, 30% के आसपास। अब ये आपको जब लाइव आप चलाएंगे तब आपको देखना है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, और कम करें, अगर कम है तो थोड़ा और इसको बढ़ा सकते हैं। अब आ जाएंगे हम दो नंबर ऑक्स पे, दो नंबर ऑक्सिलरी पे हमने लगाया हुआ है हमारा इंस्ट्रूमेंट का। अब देखिए इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग इस दो नंबर में कैसे करेंगे। दो नंबर में हमने इसको लगाया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट को हमने
ज़्यादा खोल देना है। ये तो हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट का सेटिंग इन दोनों मॉनिटर्स में। इन दोनों मॉनिटर में ये इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग हो चुकी है। ऑक्स वन में आपका मॉनिटर, ऑक्स वन मॉनिटर में आपका नंबर एक मॉनिटर में जो सिंगर के लिए लगाया है उसमें आपका इंस्ट्रूमेंट कम जा रहा है, और दो नंबर जो स्पेशली हमने दिया है इंस्ट्रूमेंट वालों को उसमें इंस्ट्रूमेंट फुल जा रहा है। कोई टेंशन नहीं है, इसमें ये सेटिंग देख लीजिए। अब आपने माइक इनपुट किया है दूसरे किसी चैनल में, ये मेन सिंगर का माइक है, इस चैनल में इनपुट हुआ है, इसको हम जस्ट उल्टा कर देना है, इस सेटिंग का उल्टा कर देना है। ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। मतलब क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट के लिए जो हमने लगाया है मॉनिटर, इसमें इस माइक का वोकल कम कर दिया है हमने। देखिए ये कम जाएगा, इंस्ट्रूमेंट इसमें भारी बजेगा और वोकल इसमें हल्का बजेगा। अब देखिए इस मॉनिटर में आपका इंस्ट्रूमेंट हल्का बजेगा और आपका वोकल इसमें हाई बजेगा। अब ये सेटिंग आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस सेटिंग के साथ आप अपने भले ही दो मॉनिटर चलाएं, चार चलाएं, छः चलाएं, आठ चलाएं, जितने मर्जी चलाएं, बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग आपकी हो जाएगी। और अब कुछ फ्रेंड्स मुझे बताएंगे कि सर हमारे पास इतना बड़ा तो मिक्सिंग कंसोल नहीं है। दूसरे पे समझ लीजिए, आ चुके हैं दूसरे मिक्सर के पास। अब देखिए दोस्तों, ये दो आउटपुट ले लेने हैं आपको, ऑक्स वन और ऑक्स टू, ये दो ऑक्सिलरी इसमें भी दी गई हैं। अगर आपके पास छोटा माइक्रोफोन है, आप स्पेशली बता रहा हूँ, बाकी आपका पंडाल, आपका जो साइड फील है वो लेफ़्ट और राइट में आप कर सकते हैं यूज़, लेफ़्ट राइट को भी यूज़ कर सकते हैं और लेफ़्ट राइट को दोनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप लेफ़्ट और राइट ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर लेफ़्ट राइट दोनों मिक्स हो गए हैं ऐसे भी यूज कर सकते हैं। दोनों का मास्टर आपके पास अलग अलग है। इससे भी आपकी विसिल की रिमूविंग का प्रॉब्लम अगर बन रहा है तब आप लेफ़्ट और राइट पैनिंग को यूज करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं, एक को मास्टर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपका पंडाल हाई बजेगा, आपका जो साइड फील है वो लो हो जाएगा, हल्का कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। किस इंस्ट्रूमेंट को कितना डालना है या फिर माइक को किधर आपको कम डालना है या ज़्यादा डालना है वो इसमें लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन से भी चलेगा, प्लस आपकी ऑक्सिलरी से भी चलेगा। ये भी बता देता हूँ, सेम फंडा वही है, सभी इंस्ट्रूमेंट्स को इनपुट कर दिया है। इनपुट करने के बाद ऑक्स वन में हमने सिंगर के लिए डाल दिया है आउटपुट, और ऑक्स टू में हमने इंस्ट्रूमेंट वालों के लिए एक मॉनिटर लगा दिया है। अब चलिए दोस्तों, मान लीजिए ये आपका इधर पूरा का पूरा, इधर पूरा जितना भी है आपका सारा सिस्टम लगा हुआ है, ये पूरा पीछे पंडाल है, इसको आप छोड़ दीजिए। अभी आप बैठे हैं यहाँ पे, यहाँ पे आपका एक मॉनिटर आपने रख दिया है, प्लेस कर दिया है। इस मॉनिटर के सामने उधर इंस्ट्रूमेंट वाले बैठे हैं, उनके आगे से आप इसको ऐसे मोड़ के रख देंगे, या फिर बैक से भी आप रख सकते हैं। एक ही मॉनिटर से भी आप काम चला सकते हैं, दो से भी चला सकते हैं। सेम वही फंडा रखना है, सभी जी क्यू को सेट कर लेंगे, गेन को सेट कर लेंगे, और वन नंबर में इंस्ट्रूमेंट, अभी बता रहा हूँ, वन नंबर में इंस्ट्रूमेंट को कम खोलेंगे, टू नंबर में ज़्यादा खोलेंगे, सेम वही फंडा है। और मान लीजिए ये माइक आपका गायक का माइक है, इसमें हम इसको ज़्यादा खोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट को कम खोलेंगे, और ये दोनों मॉनिटर जो आउटपुट होके गए हैं दोनों में इतना ज़बरदस्त बैलेंस और कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, आप हैरान रह जाएंगे देख करके इस सेटिंग को। और दोस्तों अगर आपको लाइव दिखाना देखना है कि सर लाइव लगा के दिखाइए, तो बहुत सारा उसमें टाइम लगता है, 2.5 से 3 घंटा उस वीडियो को बनाने में लगेगा, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अगर उस चीज़ को कहेंगे तो लाइव प्रोग्राम में कहीं पे भी लगा होगा तो मैं टाइम निकालूँगा, ज़रूर निकालूँगा और आपको वो पूरी सेटिंग दिखाऊँगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएँ, कमेंट ज़रूर करें, और स्पेशल खबर है, जो लोग मेरे चैनल पे अभी आज ही मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत रिक्वेस्ट है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप डीजे लाइव साउंड सेटअप या फिर अपना उसके सिस्टम के ओनर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी सजेशंस, बहुत अच्छे
वीडियोस मेरे चैनल पे टेक्निक्स आप लोगों को मिलेगी दोस्तों। बेफिक्र देखिए, बिंदास देखिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, ज़रूर करें सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।